नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आप सभी देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल छोटी बड़ी पल पल की जानकारी टूटी फूटी आवाज़ में रहुषा सीतापुर प्रेम वाजपेयी के साथ। बने रहिए और देखते रहिए खबर आपकी, कवरेज हमारी। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं, ये जनपद सीतापुर के ब्लॉक मुख्यालय कस्बा रहुषा नगर श्योता विधायक के आवास पर चल रही सप्ताह ज्ञान श्रीमद् भागवत कथा में श्रवण करते हुए भक्तजनों की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं अमृतमय एक रसधार वैराग्य बह रही है श्रीमद् भागवत की, जहां पर भक्तजन अपना अमूल्य समय देकर के और सहभागिता करते हुए तालियों की गड़गड़ाहट से रसाभोर होकर आनंदित हो रहे हैं। वहीं पर सुंदर सुंदर झांकियों का मंचन भी तथा समापन के बाद किया जाता है। ये तीसरे दिन लगातार चल रही सप्तऋषि कार्यक्रम की तस्वीरें हैं, जहाँ पर पूरी तरीके से आप तस्वीरों में स्पष्ट देख सकते हैं कि से अमृतमय वैराग्य लोगों को एक अवसर मिला है, जो महामंडलेश्वर के मुखारविंद से ये कथा श्रवण कराई जा रही है। ये सारे नगर में पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कार्यक्रम, ये 4 दिवसीय कार्यक्रम है और 28 दिसंबर को महामंडलेश्वर की इस कथा में भक्तों का काफ़ी एक जनसैलाब उमड़ता नज़र आ रहा है। भक्तों का जो काफ़ी एक तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, एक भक्तों का सुबह और शाम की तस्वीरें पंडाल के नीचे दिखाई दे रही हैं। ये महामंडलेश्वर की कथा सुनते नजर आ रहे हैं। कथा शाम 4 बजे से समापन होता है। जनसैला का दिखाई दे रहा है। आप Thank you.
कथा श्रवण करना तब सार्थक हो जाता है। बहुत लोग चित्त में रखते हैं, भाई कब तक पूजा पाठ किया जाए, कब तक भजन किया जाए, कब तक ये कथा सुनी जाए, कब तक क्या किया जाए। जब तक इन बातों से परे ना हो जाओ, अर्थात मान सम्मान की भावना से उठ ना जाओ, भगवान के लिए सत्कर्म कि देखो भाई सबका तो अपमान की हमारा नहीं, कितने दुखी हो जाओगे, दुखी हो। अरे महाराज छप्पन से सीधे छाछप इंच हो जाएगा, भैया बहुत बचे, सबका अपमान हुआ हम बच गए। अर्थात अपमान होने पे दुखी हो जाते हैं, सम्मान होने पे प्रसन्न हो जाते हैं, मन में ईर्ष्या हो जाती है। ये ऐसी गंदगी है हृदय के पात्र में। बोले आपकी कथा को हम केवल कीर्तन से ही समझ रहे, कथा में दम है, क्योंकि आपने कीर्तन किया, ज्ञान वैराग वृंदावन में बूढ़े पड़े थे, यहाँ जवान होकर प्रकट हो गए। केवल कीर्तन से स्वयं भगवान प्रकट हो गए, जब कथा होगी तो क्या होगा। ऋषि बोले देखो महात्मा बोल बोल तो घुमाओ, सीधे बताओ पूछना क्या चाहते हैं। बोले महाराज सीधे तो यही पूछना चाहता है कि आपकी भागवत कथा सुन के केवल ज्ञान वैरागी जवान होते हैं या कुछ और भी होता है। बोले मतलब ये है, कोई भक्त यदि भगवान की कथा सुन के भगवान को पा जाए, 18 इंच की 20 इंच की फिर थोड़ा और फिर ऐसे करते, फिर मतलब न्यू मजबूत की, तो ये केवल भूमिका है, ये कथा नहीं सुन कि भागवत का महात्मा क्या। तो अभी तक तो जो सुने हैं ये सब केवल भागवत की भूमिका है, कथा नहीं नहीं। बिल्डिंग बनाते हैं, मकान बनाते हैं तो न्यू बनता है, तो न्यू में भी पहले वो मकान नहीं मिला। इसीलिए माता भक्ति ज्ञान वैराग्य सहित सभी कथा सुनने के लिए विराजे सभी के हृदय में बैठे कहते हैं बड़ी सुंदर कथा का प्रारंभ हुआ। देखो भागवत के महात्मा की चर्चा, पुष्प बिछाए हुए वहां पे विराजमान है, जिस हृदय में बड़ी पवित्र भावना है, भगवान का ही नाम नाम है, तो भगवान भी उसी हृदय में विराजमान होगा। पर भगवान जहां देखते हैं हृदय को खोलते हैं, पट खोलते हैं तो देखते हैं वहां काम क्रोध लोभ बड़े बड़े सैनिक खड़े हैं। भगवान भी वहां से चुपचाप निकल लेते हैं, अरे भाई यहाँ तो पहले से भरा पड़ा है। हृदय रूपी आसन पे विराजती है, ध्यान रखना। कोई भगवान की उपासना के लिए बैठता है तो भगवान जब आते हैं तो पहले हृदय का पट खोलते हैं दरवाजा, देखते हैं भाई हृदय रूपी मंदिर में है क्या। देवर्षि नारद ने देखा जो ज्ञान वैराग्य बूढ़ी अवस्था में वृंदावन में पड़े थे, यहां तो भी कथा भी नहीं शुरू हुई, मात्र कीर्तन गाया गया। जब कथा हुई तब क्या हुई, मतलब कीर्तन मात्र से ज्ञान वैराग्य जवान हो गए। अरे बोले भाई आसन लाओ, आसन बिछाओ, ज्ञान वैराग्य बैठेंगे।
हरे मुरारी हे नाथ नारायण की जय। गंगा के किनारे महाराज को भक्त भाई कथा चल सरकारी कौन है गाने जा रहे हैं बोले भगवान की बोले कौन गाने जा रहा है बोले भगवान गाने जा रहे हैं मतलब भगवान की कथा भगवान स्वयं गाने जा रहे हैं। अब जब हम लोग साधारण भगवान की कथा गाते हैं कथा सुनते हैं जहां पे स्वयं सरकारी ऋषि स्वयं भगवान लगाए हुए बड़े बड़े ऋषि महात्मा पहुंचने लगे गंगा के शब्द श्रवण करना चाहिए शास्त्र मुक्ति दाने गर्जन पर मुक्ति देने की गर्जना भागवत ने की है कि जो बोल भागवत भगवान की जय भक्त वत्सल भगवान की जय। कीर्तन चला हरिद्वार बोल मोर भगवान की जय हो। सबसे बड़ा सौभाग्य आप देख रहे हैं कि प्रसाद भी कथा सुनने के बाद लोग ग्रहण करते नजर आ रहे हैं यहाँ पर और चौकीदार के साथ जैसा कि आप देख रहे हैं। गंदा होता है गंदे पात्र में दूध क्यों नहीं गर्म करते क्योंकि दूध खराब हो गया। मतलब संसार का साधारण पर ये तो संसार का अमृत है दूध हम सुन के आते हैं कथा अमृत इसको जिस पात्र में रखना है वो भी तो साफ होना चाहिए कि नहीं कैसे बात करो। अरे भाई बर्तन में तो गंदगी लगी होती है हृदय रूपी पात्र में गंदगी हम लोग हृदय में गंदगी क्या होती है कंचन सहज क्रिया का नेह। बहुत से लोग बड़े बड़े महलों को छोड़ देते हैं कंचन तजना सहज है सहज क्रिया का नहीं है। अरे पढ़ाई तीर से हम लोग लाइन से बैठे हो हमारे तिवारी जी उठे सबको एक एक माला पहना दो अकेले और सबको पहनाई जाए तो कल्पना करो कि तुमको ना पहना कहोगे रुक जाओ दो महीने अर्थात बड़ा दुख हो जाएगा हृदय में दुख होगा अथवा एक तरफ से सबको गाली दी जा रही है। अब देखो भाई सबका सम्मान किया जाए केवल तुम्हें छोड़ दिया जाए तो देखो भाई सबको सम्मान मिला मुझे नहीं मिला पर सबका अपमान किया जा रहा है। I'm
Thank you.